बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की बात में आज हम मोटिवेशन में बात करेंगे। इंटरनेशनल वर्ल्ड हिस्ट्री है, उसके साथ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, दुनिया के ममालिक की है, तो उससे मोटिवेशन है। आज का टॉपिक हमारा मोटिवेशन में है कि इम्पोर्टेंस ऑफ डिसीशन, फैसलों की अहमियत क्या होती है। हम अफराद का लेते हैं, फिर माशरे का लेते हैं, मगर यहाँ हम दुनिया का लेंगे, ममालिक का लेंगे कि एक गलत फैसला या एक सही फैसला किसी मुल्क पर और दुनिया पर कितना इम्पेक्ट करता है। तो ऑलरेडी हमें पता चल जाएगा कि एक अफराद, एक फ़र्द अगर गलत फैसला लेता है तो कितने नुकसान दोरस हो जाते हैं। तो इसके लिए थोड़ा सा वर्ल्ड हिस्ट्री पे मैं आऊँगा। तीन ममालिक का जिक्र है, तो सबसे पहले जापान का मैं बता दूँ कि डिसीशन पे एक इंग्लिश सेइंग है, वो बता दूँ। कहते हैं कि डोंट मेक अ परमानेंट डिसीशन फॉर अ टेम्पररी इमोशन। यानी टेम्पररी इमोशन की बिना पर कभी भी आप मुस्तकिल फैसला नहीं करें। तो उस पर जापान की एक हिस्ट्री है कि 17th century तक जापान को दुनिया में कोई भी नहीं जानता था, और जापान एक गैर मारूफ सा मुल्क था, और जापानियों की भी यही फितरत थी, न किसी को आने देते थे अपने मुल्क में, न कहीं वो जाते थे। तो जापान को दुनिया में कोई नहीं जानता था। 7th century के बाद अमेरिका ने उससे रابطہ किया और उसे अपनी ट्रेड बढ़ाई, तो दुनिया को मालूम हुआ कि जापान कोई एक मुल्क है। और उनकी दोस्ती इतनी चली कि 20th century 3 सदियों तक चली। अमेरिका और जापान दोनों न्यू टेक्नोलॉजी से दोरस हो गए, और जापान को इतनी टेक्नोलॉजी दी कि इस दौरान जापान ने चीन, ताइवान और उसके अलावा रूस से जंगें लड़ी और उससे भी फतेहयाब हो गया। अब जापान का इतना ज़ोम हो गया, इतनी पावर आ गई कि उसे ये ख्याल होने लगा कि इस खत्ते में, अपने यूरोपियन खत्ते में और दुनिया में वो अपना पावर तब मना सकता है, सुपर पावर तब हो सकता है जब वो अमेरिका को मात दे। अब 1942 दिसंबर 1941 की दिहाई है, वहाँ पर्ल हार्बर एक पोर्ट है बहरल काहिल का। अमेरिका पूरी दुनिया को उस पोर्ट से कवर करता था। अब जापान को ये ज़ोम हो गया कि अगर मैं पर्ल हार्बर पर हमला कर दूंगा, वो हवाई अड्डा उसका तबाह कर दूंगा, तो मैं दुनिया में सुपर पावर हो जाऊंगा और मेरे सामने कोई भी मुल्क नहीं आएगा। हालत ये थी कि जापान ने सेकंड वर्ल्ड वॉर तक इतनी जंगें लड़ी और इतनी जोरावर लड़ी कि उसका नाम हो गया और उसे ये ज़ोम हो गया। उनके जनरल उस वक्त वज़ीर आज़म कहें पॉलिटिशन थे, वो टोजो, हिडकी टोजो, उसने डिसीशन लिया कि हम पर्ल हार्बर पर हमला करेंगे। अब उसकी बहरी फौज के सारे कमांडर ने कहा कि ये गलती मत करें, मगर एक साल की पूरी प्लानिंग के बाद 1941 की दिसंबर को उन्होंने रातों रात पर्ल हार्बर पर हमला कर दिया। अब मज़े की बात, वो हमला इतना तेज़ था कि अमेरिकियों को होश तक नहीं आया और उनके वहमो गुमान में नहीं था। मगर बदकिस्मती ये थी कि वो 70% पर्ल हार्बर को नुकसान पहुंचा सके, 30% बच गया। अमेरिकियों की इतनी हिम्मत कि उन्होंने एक साल के अंदर उसको फिर रिफॉर्म कर दिया और फाल कर दिया, और जापान के साथ बिल्कुल सामने आ गया। अब जापान के इस डिसीशन ने उसको क्या नुकसान पहुंचाया कि हिरोशिमा और नागासाकी बिल्कुल राख के ढेर बन गए, और जापान इतना पीछे चला गया कि उसे 20 से 30 साल तक अपने आप पर सोचना पड़ा कि मैंने ये क्या किया। अब कहते हैं हेडको टोजो जो था, उसकी 1943 में एग्जीक्यूशन की गई, 3 साल तक उसे कैद रखा गया। अब भी वर्ल्ड हिस्ट्री में जब भी नाम आता है, कहते हैं टोजो ने इतनी बर्बरत की कि उसके सियासत का गलत एक फैसला था। एक छोटा सा फैसला पूरे खित्ते को आग में लपेट गया और जापान की तबाही किया गया। अब दूसरा मुल्क रूस, सोवियत यूनियन, जब यूनियन हुआ है तो उसने आहिस्ता आहिस्ता कम्युनिज्म को फैलाया, यही कम्युनिज्म चाइना में उन्होंने फैलाई और माओ ज़ेडुंग चेयरमैन ने वो अडॉप्ट कर लिया। अब इनका पैचअप इतना चला कि दोनों ने ममालिक ने कम्युनिज्म का फैलाव कर दिया, मगर रूस को ये ज़ोम आ गया कि कम्युनिज्म हमारी मम्लिकत है और चीन से नहीं बन पड़ी, और उनका ट्रेड वहाँ से ख़त्म हो गया। रूस ने फिर गलती ये की कि उसने अपने आप से जुदा कर लिया चीन को, और वहाँ जो प्रोजेक्ट चल रहे थे वहाँ से वो निकल आया, और वो खुराक की कमी के किल्लत के बायस आहिस्ता आहिस्ता जो सुपर पावर था अमेरिका के बराबर खड़ा था, टूटता गया। उसके बाद उसकी माशी पॉलिसियाँ इतनी कमज़ोर हो गई कि आखिर दुनिया ने देखा कि सोवियत यूनियन एक टुकड़ों में बट गया और सुपर पावर से लेस सुपर पावर हो गया।
मगर चाइना ने जापान और रूस से सबक सीखा और उसने अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ाई। तो दुनिया ने देखा कि आहिस्ता आहिस्ता इकोनॉमिक रिफॉर्म करते हुए उसने अपने आप को इतना बुलंद कर लिया कि कोई भी चीज़ बाहर से मंगाने के लिए उन्होंने कोई भी तकद्दू नहीं की। उन्होंने सारी अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ की और सारी रिफॉर्मेशन लाए और दुनिया के लिए एक वाला है। कहते हैं कि 55 साल तक चाइना ने इतनी मेहनत की कि अब दुनिया उसे इकोनॉमिक जायंट कहती है, यानी माशी देव के नाम से जानती है। अमेरिका भी उसके मदे मुकाबले खड़ा नहीं हो सकता। आयरन की ये राय है कि सुपर पावर वो होता है जो माशी तौर पर मजबूत हो, ना कि हथियारों के तौर पर। अब कहते हैं जंगें हथियारों से लड़ना बहुत महंगी हो गई हैं, जिसमें तबाही आती हैं। अब जंगें इकोनॉमिक रिफॉर्म से लड़ी जाती हैं, जो चाइना ने अडॉप्ट कर ली। एक नहजुल बलागा का कोड है, हजरत अली रजा कहते हैं कि एक अच्छी सियासत एक अच्छी रियासत दे सकती है। अगर हम रियासत में सियासत में गलत फैसले करेंगे तो ये रियासतें टूट जाती हैं और गलत फैसलों से ममालिक कौमें और माशरे तबाह हो जाते हैं। कहते हैं 20वीं सदी का सबसे गलत सियासी फैसला टोजो का था। दुनिया को सेकंड वर्ल्ड वार में उसने किया, एटम बम का इस्तेमाल हुआ, हिरोशिमा नागासाकी पे तबाहकारियाँ हुई। एक गलत फैसला आदमी को कौम को मुल्क को पीछे ले जाता है और एक अच्छा फैसला चाइना की तरह पूरे दुनिया में सुपर से सुपर पावर बना देता है। इसलिए एक फ़र्द हो माशरे में हो तो आप ये डिसीशन करें कि हमें जज्बात की बिना पर नहीं, हमें जहन की बिना पर फैसला करना चाहिए, ताकि हमारा मुल्क कौम और सुधर सके। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।